हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जितने भी नेमिंग रिएक्शन है वो आप लोग देखेंगे, तो इसका नोट्स वगैरह नहीं मिलेगा। ये पूरा आप लोग देखो और इसे लिखना स्टार्ट करो। ये मैं एक एक करके आपको बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या है इंपॉर्टेंट। टोटल 42 है, 42 का 42 तो नहीं आएंगे, पर यहाँ से तीन क्वेश्चन कन्फर्म है नीट 2021 में या जेई मेंस 2021 में पूछा जाएगा। जेई एडवांस का एक क्वेश्चन बनता है, समझे? मैकेनिज्म पूछता है, इसलिए मैं सिर्फ एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, अदरवाइज बहुत सारे बन जाएंगे, तो इसको देख लेना अच्छे से। अभी बताता हूँ मैं कैसे क्या करना, और आपको नोट्स वगैरह कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि लिखोगे नहीं तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। अल्डोल कंडेंसेशन नीट 2017 में पूछा गया था, तो इसको क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन होता वो देख लेना, और क्लेजन कंडेंसेशन है वो देख लेना। क्रॉस इसमें नहीं लिखा हुआ है बट क्रॉस एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो उसे देख लेना। होता क्या अल्डोल कंडेंसेशन में, ये सारा कुछ मैकेनिज्म के साथ समझाया हुआ है, इसे पॉज करके इसे लिख लो। अब आता है क्लेजन, क्लेजन कंडेंसेशन। क्लेजन कंडेंसेशन में आप लोगों को नॉर्मल है ये भी, ठीक ना? इसमें इथाइल ऑक्साइड होता है और कुछ होता नहीं है, OC2H5 होता है यहाँ पे, वो आकर के कनेक्ट होता है, समझे? तो ये भी नॉर्मल है, इसे भी आप लोग लिख लेना। अब आते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन में। हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या चाहिए है ये भी पढ़ लेना, सिर्फ CH3I बनेगा, हेलोफॉर्म बनेगा फॉर्मल्डिहाइड, सॉरी फॉर्मल्डिहाइड नहीं है, फॉर्मल्डिहाइड कहाँ पे आता है, कैनिजारो रिएक्शन में आता है, CH3I अल्काइल हैलाइड, ठीक है? इसे अल्काइल हैलाइड बोलते हैं, प्लस RCOO बॉन्ड ONA, ये हो गया। फिर आता है कार्बाइल अमीन टेस्ट, ये मैंने बताया था भैया, कार्बाइल अमीन टेस्ट पढ़ के जाना, और नीट 2020 में पूछा गया था। गूगल या यूट्यूब कहीं पे भी सर्च कर लो, लास्ट में बाय फिजिक्स इन प्लेग्राउंड लगा लेना, नेमिंग रिएक्शन बाय फिजिक्स इन प्लेग्राउंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय फिजिक्स इन प्लेग्राउंड, आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा या डायरेक्टली एक वीडियो मिल जाएगा। गूगल कर लो, यूट्यूब पे सर्च कर लो, जहां मन वहां सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा, तो वहां से देख सकते हो कि पूछा गया था, समझे? तो कार्बाइल अमीन टेस्ट को देख लेना। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे क्या चाहिए, टेट्रा हैलाइड का यूज करते हैं रिएजेंट में, और आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है CCl2। रैमर-टाइमर रिएक्शन में ये बहुत बार पूछा जा चुका है, और अभी रिसेंटली नीट 2018 में पूछा था, तो यहाँ पे अभी तक ट्राई हैलाइड पूछा गया, टेट्रा हैलाइड नहीं पूछा। अगर वो ट्राई हैलाइड प्लस टेट्रा हैलाइड दोनों दे देता और बोलता है कि ए और बी क्या बनेगा, ट्राई हैलाइड में सेलिसाइल एल्डिहाइड और टेट्रा हैलाइड में एसिड बन जाता है। कोल्बे सिचमिट रिएक्शन वही है, सेलिसाइलिक एसिड बनेगा इसमें। जेई मेंस 2018 रिसेंटली पूछा। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन जेई मेंस 2016 में पूछा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ रिएजेंट, रिएजेंट में Br2 एंड KOH विल बी यूज्ड इन हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, और इसी को शायद 2017 नीट में भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्या प्रोडक्ट बनता है, हॉफमैन था या स्कॉटन बोमेन था, ठीक ना? कंफ्यूज कर रहा हूँ मैं, देख लेना, वो स्कॉटन बोमेन था आई थिंक, या जो भी था तो इसी में से स्कॉटन बोमेन भी आगे आप लोग को मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स देख लेना, KOH के जगह में भी NOH वो लोग दे देते हैं, एग्जामिनर को NOH से कुछ ज्यादा अट्रैक्शन है तो NOH वो लोग यूज करते हैं, तो 1 मोल ऑफ Br2 एंड 4 मोल ऑफ KOH/4 मोल ऑफ NOH यूज होते हैं। QTS रिएक्शन नॉर्मल से रिएक्शन देख लेना, सिचमिट रिएक्शन अगेन नॉर्मल से रिएक्शन है, प्राइमरी अमीन बनता है। कैनिजारो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसका पूरा का पूरा दिखाया हुआ है मैकेनिज्म। स्लो RDS, RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है? और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वही होता है जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, समझे? तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पूछता है तो ये वाला बना के आना। माइनर मेजर प्रोडक्ट पूछे जा रहे हैं, नीट 2017 अल्डोल कंडेंसेशन में माइनर मेजर प्रोडक्ट पूछा गया था, तो उसके लिए आप लोग माइनर मेजर दोनों कर लेना। बाकी आपका क्या होता है, 2 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, ये 2 मोल होगा, ठीक है? 1 मोल नहीं होता, 2 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड होता है, 50% ऑफ NOH रिएक्ट करता है, तो ऐसा प्रोडक्ट बनता है। पॉज करके लिख लेना सारा कुछ दिखा दिया। अब आता है आप लोगों का क्यूमिन। क्यूमिन बहुत ही अभी हॉट टॉपिक है, नीट 2018 नीट 2019 दोनों बार पूछ लिया गया है। टोटल प्रोडक्ट इसका है, O3 डालोगे तो क्या होगा, HCl डालोगे तो क्या होगा, वो एक एक बार पूछता है। पहले बोला कि O3 डालने से क्या होगा, तो ये वाला प्रोडक्ट होगा। फिर क्या किया कि कुछ दे दिया था, और उसके बाद बोला कि फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, तो वो फाइनल प्रोडक्ट क्यूमिन। अब HCl दे करके वो फाइनल प्रोडक्ट पूछ सकता है, समझ रहे हो ना? ऐसा रिएक्शन रहेगा, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट आ जाएगा। क्यूमिन हाइपर परोक्साइड याद रखना, एक जगह फिनॉल बनता है ये याद रखना,
और CH3COOH CH3 PPR JEE mains के लिए है, नीट के लिए नहीं है, पॉज करके तब भी लिख लो। बिर्च रिडक्शन एंड लिनलार कैटलिस्ट दोनों बता चुका हूँ, गूगल या यूट्यूब, गूगल करना है गूगल कर लो, यूट्यूब करना है यूट्यूब कर लो। बिर्च रिडक्शन एंड लिनलार कैटलिस्ट का मैकेनिज्म आपको मिल जाएगा, बाय फिजिक्स इन प्लेग्राउंड ऐड कर देना, मिल जाएगा आपको। 10 मिनट का वीडियो था, JEE mains का एक क्वेश्चन ले गया था 2018 का, और नीट में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था 2018 या 19 में, समझे। और इंपॉर्टेंट है यार, 4 मार्क्स JEE mains में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिर्च रिडक्शन देख लेना, अभी तक वो क्या पूछा है JEE mains का, क्या था कि बिर्च रिडक्शन तो डायरेक्ट नहीं था, था कि सोडियम लिक्विड NH3 का यूज करते तो प्रोडक्ट में जो आता वो क्या बनता। ऑप्शन नंबर ए ट्रांस, ऑप्शन नंबर बी सीस, ऑप्शन नंबर सी सीन एडिशन, ऑप्शन नंबर डी एंटी एडिशन। तो लड्डू क्वेश्चन था वो, अगर आपसे कुछ दे करके पूछता है कि रिएक्शन का प्रोडक्ट बता दो, तो यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल कुछ रिएक्शन का प्रोडक्ट बना करके कर देना, यही आएगा, समझे। गैब्रियल सिंथेसिस अगेन, ये भी इंपॉर्टेंट है, अमीन का है गैब्रियल सिंथेसिस, तो इसे सिर्फ देख लो एक बार, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देख लो पढ़ लो। प्राइमरी अमीन बनता है, और ये वाला प्रोडक्ट याद रखना, ये प्रोडक्ट मेन है, मेजर माइनर कर देगा तो बनाना मुश्किल हो जाएगा। अगेन आ गया लिंडलर कैटलिस्ट, यही था H2PDCACO3 का यूज करते हैं, सिस आता है फाइनल प्रोडक्ट में। ओजोनोलाइसिस गूगल या यूट्यूब, वही बोलूंगा, बाय फिजिक्स इन प्लेग्राउंड, क्योंकि वो वहाँ पे पूरा मैकेनिज्म समझाया हूँ मैं, और वो ज़्यादा अच्छा होगा आपको समझने के लिए। सिर्फ रट के जाओगे घंटा नहीं बनेगा क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन डिराइव करके आते हैं AIPMT 2015 और नीट 2020 में ओजोनोलाइसिस से क्वेश्चन पूछा गया, टोटली डिराइव थे, फर्क है, और 2018 में शायद पूछा गया था, समझे। डायरेक्ट ने पूछा, वो आपको क्या करेगा, ये चीज दे देगा, बोलेगा कि रिएक्टेंट बता दो, कभी रिएक्टेंट दे देगा, बोलेगा प्रोडक्ट बता दो, तो कुछ भी वो लोग पूछ सकते हैं, समझे। एलिमिनेशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कंफ्यूज कर जाते, होता क्या है अल्कोहलिक KOH जो है ना वो हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन देगा, और एक्वस KOH हमेशा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, तो एक्वस और एलिमिनेशन में कंफ्यूज ना होना। टिशेनको रिएक्शन देख लेना, इसमें एल्डिहाइड से ईस्टर बनता है। बेयर्स रिएजेंट नॉर्मल है, अल्किन से 1,2-diol बनेगा, यूज टू डिटेक्ट अनसेचुरेशन। ये हो गया आपका यहाँ तक। अब कुछ और नेमिंग रिएक्शन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसे देखते हैं, समझे। वो लिख लेना अच्छे तरीका से, उसको कर लेना, जो इम्पोर्टेंट बोला उसे मार्क कर लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है यार। 3 से 4 क्वेश्चन कंफर्म रख लो कि ये बनेगा ही बनेगा। अब आता है क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन एक तरह से रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसमें ZnHg कॉन्सेंट्रेटेड HCl रिडक्शन होता है, एल्डिहाइड केटोन का और अल्केन का फॉर्मेशन होता है। कपलिंग रिएक्शन डाइजोनियम क्लोराइड, ये क्या करते हैं ना, ये नॉर्मल सा ABC करके देते हैं, जैसे 3 रिएक्शन इसमें पूछा जा सकता है, डाइजोटाइजेशन पूछा जा सकता है, कपलिंग रिएक्शन और सेंडमेयर, ये तीनों को मिक्सअप करके पूछ सकते हैं वो लोग, तो इसलिए ये 3-4 रिएक्शन एक साथ पढ़ना। अमीन का क्वेश्चन करोगे ना 2010-11-12 का, उसमें आपको मिल जाएगा सारा कुछ, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कपलिंग रिएक्शन में डाइजोनियम क्लोराइड के साथ अगर फिनॉल या एनिलीन को रिएक्ट कराते हो तो रिएजेंट दोनों अलग अलग होगा। फिनॉल को रिएक्ट करवाओगे तो रिएजेंट जो होगा NaOH होगा, और एनिलीन को करवाओगे तो HCl होगा, और बनेगा प्रोडक्ट एजोडाइन, बट वहाँ पे OH के साथ OH लगेगा, और NH2 अगर रखोगे एनिलीन का तो NH2 लगेगा, सिंपल सी बात है। डाइजोटाइजेशन क्या होता है, एनिलीन में NaNO2 प्लस HCl डालोगे तो डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा, समझे। तो ऊपर के 3 इंपॉर्टेंट है, उसे थोड़ा मार्क कर लेना। इटार्ड रिएक्शन पढ़ लेना, फिटिंग रिएक्शन पढ़ लो, लिख लो, समझ लो। फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रिडल क्राफ्ट एशाइलेशन, नीट 2020 का क्वेश्चन है ये, या नीट 2019 का है, ये देख लेना, आपको मिल जाएगा। इसमें जो रिएजेंट होता है एनहाइड्रस AlCl3 होता है दोनों का, दोनों में, और एक का प्रोडक्ट अल्काइल बेंजीन और एक में एसाइल बेंजीन। रिएजेंट के ऊपर थोड़ा फोकस करना, रिएजेंट ही पूछा गया था आपको, समझे। गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस बेंजीन के साथ साइनाइड प्लस HCl प्लस ZnCl2 और ऑक्सीडेशन है H3O+ तो बेंजल्डिहाइड बनेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। HVZ भी इम्पोर्टेंट है, एक ही रिएक्शन आता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम Br2 रेड फॉस्फोरस रिएजेंट, और जो आपका प्रोडक्ट है वो अल्फा हैलोजिनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अल्फा समझ सकते हो आप लोग, अल्फा क्या चीज होता है।
किसी भी ग्रुप से जो पहला कार्बन कनेक्ट होता है वो अल्फा, उसके बाद बीटा, उसके बाद गामा। अब बात है ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। अल्काइल हैलाइड प्लस एराइल हैलाइड सोडियम ट्राई ईथर डालते हैं रिएजेंट, तो अल्काइल बेंजीन बनता है। विलियमसन सिंथेसिस नीट 2015, नीट तो था नहीं, AIPMT 2015 एंड जेई मेंस 2016 में पूछा गया है। जेई मेंस का जरूर वो क्वेश्चन सॉल्व करना 2016 का, वो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। उसमें तीन प्रोडक्ट दिए हुए थे और चार ऑप्शन होते हैं ना, तीन प्रोडक्ट सही थे और एक गलत था, समझे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, और दिया हुआ था सोडियम अल्कोक्साइड और सोडियम फिनोक्साइड रिएजेंट में, समझे, रिएक्ट करेगा, तो कौन सा गलत है प्रोडक्ट, मतलब तीन प्रोडक्ट वहाँ पर सही बन रहे थे, क्लियर है। तो वो थोड़ा कर लेना, वो इंटरेस्टिंग है, वो अच्छा क्वेश्चन है। अल्काइल हैलाइड यहाँ पे होता है आपका रिएक्टेंट, सोडियम अल्कोक्साइड और सोडियम फिनोक्साइड आपका रिएजेंट, और फॉर्मेशन होता है इथर का, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। स्टेफन रिएक्शन अगेन इंपॉर्टेंट है, SnCl2 और HCl डालते हैं, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, रिएक्टेंट होता है अल्काइल साइनाइड। स्कॉटन बोमेन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन नीट 2017 में पूछा था या स्कॉटन बोमेन, आई थिंक हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन ही था वो, ठीक ना, तो उसे देख लेना। और स्कॉटन बोमेन भी इंपॉर्टेंट है, फिनॉल और एनिलीन और अल्कोहल को रिएक्ट करवाते हैं NaOH प्लस C6H5COCl, तो आपका जो प्रोडक्ट आता है बेंजोलाइटेड प्रोडक्ट रहता है, समझे। गेटरमैन रिएक्शन ये भी इंपॉर्टेंट है, डाइजोनियम क्लोराइड है CuCl और HX के जगह X के जगह Br हो सकता है, वहाँ पे हेलो बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। सैंडमेयर रिएक्शन अगेन डाइजोनियम क्लोराइड रहेगा, वहाँ पे CuCl HCl CuBr HBr CuCn KCn डालोगे तो NCl हट करके वो डायरेक्ट Cl जुड़ जाएगा, Br होगा तो Br जुड़ जाएगा, CN होगा तो CN जा करके बॉन्ड बना लेगा, हैलो और साइनोबेंजीन बनेगा। रोजेमंड रिएक्शन में क्या चीज होता है, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है या एल्डिहाइड ग्रुप का प्रोडक्ट बनेगा। होता क्या है, एसिड क्लोराइड रिएक्ट करता है H2PdBSO4 के साथ, जो रिएजेंट होता है वो H2PdBSO4 होता है। ये मेरे मुझसे पूछा गया था प्रैक्टिकल के एग्जाम में, क्लास 12th का जो फाइनल प्रैक्टिकल होता है, तो वो एक्सटर्नल जो आए थे वो क्वेश्चन ये पूछे थे, अभी तक याद है मुझे, रोजेमंड रिएक्शन, समझे। तो इसे देख लेना, उन्होंने पूछा था कि एसिड क्लोराइड होता है और एसिड क्लोराइड को रिएक्ट करवाएंगे H2PdBSO4 के साथ तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, समझे। और फिर इसको फिर घुमा करके क्या दूसरे स्टूडेंट से पूछा उन्होंने कि H2PdBSO4 के साथ रिएक्ट करवाते एसिड क्लोराइड को फॉर्मेशन होता है बेंजल्डिहाइड का, कौन सा रिएक्शन है, नाम बता दो, रोजेमंड रिएक्शन बोलते हैं। ये वही है सारा कुछ, एक पेज में आपको पॉज करके लिखना होगा, तो इसे लिख लेना, समझे। ये पूरा टोटली तो होगा नहीं, ये कट जाएगा, क्रॉप होगा तो ये कट जाएगा, बट आई थिंक ये काफ़ी है, ये दिखने के लिए काफ़ी है। अब देखते हैं मेंडियस रिएक्शन में क्या चीज़ होता है। ये नॉर्मल सा जो इम्पोर्टेंट था इसमें तो सारा इम्पोर्टेंट है, सारा एक भी मत छोड़ना है, इसमें जितने भी रिएक्शन लिखे हैं इम्पोर्टेंट है। और इसमें क्लेमेंसन कपलिंग डाइजोटाइजेशन फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एसाइलेशन गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस एंड HBZ एक्चुअली सारे ही इम्पोर्टेंट है, कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें बस एक बार पढ़ लेना सारा कुछ, समझे, मतलब एक बार पढ़ लेना अच्छे से, ऐसा ना कि पूछ दे तो वहाँ जा करके गलत करके आ जाओ। मेंडियस रिएक्शन में अल्काइल और एराइल साइनाइड NaC2H5OH के साथ करोगे रिएक्शन, प्राइमरी अमीन बनता है कोलबे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन करोगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, प्रोडक्ट अल्केन अल्किन एंड अल्काइन बनता है, अल्काइली मेटल होता है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। गेटरमैन कोच रिएक्शन में बेंजीन के साथ CO+HCl रखोगे तो एनहाइड्रस AlCl3 रहेगा आपका, रिएजेंट बनेगा बेंजल्डिहाइड। हंसडीकर रिएक्शन देख लेना, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड Br2CCl4 टेट्राहैलाइड के साथ रिएक्शन होता है 80°C पे, जो आपका प्रोडक्ट होता है अल्काइल और एराइल ब्रोमाइड होगा। हॉफमैन मस्टाडोल रिएक्शन प्राइमरी एलियाफेटिक अमीन प्लस CH2 के साथ मर्करी डाइक्लोराइड HgCl2 को अगर
रिएक्ट करवाओगे HgCl2 के साथ, मतलब ये रिएजेंट रखोगे और उसे गर्म कर दोगे, तो आपका जो प्रोडक्ट रहेगा CH3CH2 एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एस प्लस मरकरी सल्फाइड, ठीक है, और ब्लैक कलर का होगा ये। सो यही है इसमें, बस एक बार पढ़ लेना। सो इम्पोर्टेंट आपका जितना भी निकला, जितना मैंने बोला इम्पोर्टेंट, उसे देख लेना और 2021 में लिख लेना, 3 क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।